नमस्कार दोस्तों, डिवाइन लाइफ में आपका स्वागत है। लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लीवर में अगर गड़बड़ी मची तो समझो कि पूरे शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा। इसमें भी अगर बच्चे का लीवर खराब हो तो फिर पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने हाल ही में एक स्टडी की और उस स्टडी में जो दावा निकला वो ये है कि 38% भारतीय नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर ये बात वयस्क और बुजुर्गों तक रहती तो समझ में भी आता था, लेकिन किसी न किसी वजह से अब ये बात आगे बढ़ चुकी है। क्या है वो बात? चिंता की है बात। जी हाँ, इस स्टडी में बच्चों को लेकर एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। स्टडी में खुलासा हुआ है कि 35% बच्चे फैटी लीवर की बीमारी का शिकार हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह के बच्चों का लीवर खराब होने का कोई बाहरी कारण नहीं, बल्कि बच्चे घर से जो टिफिन में अनहेल्दी फूड खा रहे हैं वो इसका जिम्मेदार है। एम्स की स्टडी जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में पब्लिश हुई है। इंडियन एक्सप्रेस एम्स के हवाले से लिखता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी का पता अक्सर शुरुआत में नहीं चलता है क्योंकि इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बढ़ते समय के साथ साथ ही बीमारी भी बढ़ जाती है, आगे जाकर लीवर से संबंधित गंभीर बीमारियों का कारण भी बन जाता है। NAFLD के 4 कारण हो सकते हैं। अगर डायबिटिक कंट्रोल में ना हो और कोलेस्ट्रॉल और डिसलिपिडेमिया अगर आपको है तो आपको NAFLD हो सकता है। इसके अलावा अगर वजन ज्यादा है, वजन बढ़ गया है, लाइफस्टाइल के कारण फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। खराब लाइफस्टाइल का कारण एक्सरसाइज नहीं करना, ज्यादा फ्राइड या प्रोसेस्ड खाना खाना, साथ ही ज्यादा मिठाई और रेड मीट खाना होता है। रिसर्च के मुताबिक भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। शहरीकरण के कारण लोगों की लाइफस्टाइल भी कुछ अलग हो रही है। आजकल लोग इसे ज्यादा बिजी लाइफ कहने लगे हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, शहरी लोगों में खान पान बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गया है। आजकल लोग ज्यादा पैकेज प्रोसेस्ड और हाई कैलोरी वाले फूड खाते हैं जिसकी वजह से वजन तेजी से बढ़ने लगता है और बढ़ते वजन के कारण मेटाबॉलिक की दिक्कतें सामने आती है। यही कारण है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी लोगों में अब बढ़ती जा रही है। आजकल बच्चों के डाइट में ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न फूड को शामिल किया गया है, जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट और शुगरी बेवरेज। जी हाँ, इन फूड्स को खाने से गंदा फैट जो निकलता है वो लीवर के आसपास के एरिया में चिपक जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोबाइल, टीवी, फोन। इसकी वजह से बच्चे बाहर अब खेलने नहीं जाते हैं, वो इन गैजेट से चिपके रहते हैं जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज होती ही नहीं है। जिन बच्चों की फैमिली में डायबिटीज या मोटापे की समस्या है उन्हें फैटी लीवर की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। फैमिली बैकग्राउंड और जेनेटिक चीजें भी इस बीमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैटी लीवर को लेकर आज भी लोगों में जागरूकता कम है। अगर सही समय पर इस बीमारी का पता चल जाए तो ठीक हो जाती है, लेकिन देर से पता चले तो ये एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी हो जाती है। अपने बच्चों के टिफिन में आप जो खाना दे रहे हैं आपको उस खाने का ध्यान रखना होगा। हाईली फ्राइड खाना, पराठे और हैवी चीजें, बर्गर पिज्जा ये ना दें। उनके खेलने का ध्यान रखें, एक निश्चित समय पर वो जरूर बाहर या अपने घर में ही खेलें, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी हो ये सुनिश्चित करें, अन्यथा आपका बच्चा भी उन 35% बच्चों में शामिल हो सकता है जो कि फैटी लीवर का शिकार है।